Welcome, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied about the four realms of the earth, that are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and the biosphere. And we have also started the study about the first sphere, that is lithosphere. And today we will study what is the interior of the अर्थ कि अर्थ के अंदर क्या है. वी विल स्टडी अबाउट दैट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. क्योंकि अर्थ के अंदर तो कोई नहीं गया और अर्थ के बारे में जो भी स्टडी है, जो भी नॉलेज हमें मिलती है, वो हमें मिलती है अर्थक्वेक की स्टडी से. कि जो अर्थक्वेक आते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, उनसे हमें पता चला है कि अर्थ के अंदर उसका इंटीरियर किस से बना हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मोलॉजिकल डाटा द अर्थ इंटीरियर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर लेयर्स, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर. जो स्टडी के अकॉर्डिंग हम अर्थ के इंटीरियर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट्स आर द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर. As you see, the onion have the different layers. Like the onion, the earth also has different layers, and we have divided that the layers of the earth into three parts: the crust, mantle, and the core. The first is crust. The outermost rocky layer which covers the earth like a skin is called the crust. जो सबसे ऊपर वाला layer है, जो अर्थ को पूरा कवर किए हुए है, दैट इज़ नोन एज क्रस्ट. इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स दैन अंडर द ओशंस. और ये जो लेयर है कॉन्टिनेंट्स के पास, जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है, लैंड एरिया है, वहाँ पर थिक है. और जहाँ पर ओशंस हैं, ओशन फ्लोर, वहाँ पर ये थोड़ी सी थिन है. एंड इसकी जो थिकनेस है 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच है. और जहाँ पर सी है, वहाँ पर 5 किलोमीटर तक है. इट्स एवरेज थिकनेस इज़ बिटवीन 35 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर. द क्रस्ट इज़ कम्पोज ऑफ टू डिफरेंट लेयर्स. और ये क्रस्ट अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है. फर्स्ट इज़ सियार, अ ग्रुप ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम. एस आई प्लस AL. एस आई मीन्स सिलिका एंड AL मीन्स एल्यूमिनियम. तो ये वाली जो लेयर है दो पार्ट से बनी है, दो तरह के इसमें मिनरल्स हैं, दैट इज़ सिलिका एंड एल्युमिनियम. सेकंड इज सीमा. सीमा में एस आई मीन्स सिलिका, MA मैग्नीशियम. तो ये वाली लेयर भी दो पार्ट से बनी है, सिलिका एंड मैग्नीशियम. द कॉन्टिनेंट स्टैंड ऑन सियाल. जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन सी लेयर के ऊपर है? सियाल, दैट इज़ सिलिका एंड एल्युमिनियम. वाइल द ओशन स्टैंड ऑन सीमा. ओशन कहाँ पर स्टैंड है? सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम. क्लियर? सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. दिस इज क्रस्ट, दिस इज द अपर लेयर. ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है जिसने अर्थ को कवर किया हुआ है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट. ये दो तरह से बनी हुई है, इसकी टू लेयर्स हैं, दैट इज सियाल एंड सीमा. सियाल में दैट इज कॉन्टिनेंट, एंड ओशन दैट इज सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम. नेक्स्ट लेयर दैट इज मेंटल, एंड उसके बाद आती है जहाँ पर कोर. दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ. मेंटल के भी दो पार्ट हैं और कोर के भी आगे दो पार्ट हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द मेंटल. The upper mantle hair lies between beneath the crust. The crust के बाद जो next layer आती है, that is mantle, as you have seen in the picture. The lower mantle is found in semi-molten and then the molten state. इसके दो parts हैं, upper mantle and the lower mantle. जो lower mantle में है, जो भी material है वो semi-molten state में मिलता है, यानी मेल्टेड है पर पूरी तरह मेल्टेड नहीं है.
It stretches towards the Earth's interior up to distance of about 2900 किलोमीटर. और ये कहाँ तक अर्थ में फैली हुई है, इसकी थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर. सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द मेंटल सेकेंड लेयर, दिस इज द मेंटल. क्रस्ट के बाद नेक्स्ट लेयर आ जाती है आपकी मेंटल, वो कहाँ तक फैली हुई है, 2900 किलोमीटर. द कोर लाइज बिलो द मेंटल. मेंटल के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज कोर. इट इज़ द डीपेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन ऑफ द अर्थ. जो सबसे डीप है और इनएक्सेसिबल मीन्स जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, दैट इज लेयर इज नोन एज कोर. इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बाउंड्री ऑफ द मेंटल 2900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 6378 किलोमीटर. जो हमारा मेंटल है लेयर है वो 2900 किलोमीटर डीप है और वहाँ से लेकर सेंटर तक, अर्थ के सेंटर तक यानी 6378 तक जो लेयर है दैट इज़ नोन एज कोर. और ये कौन सा जोन है, इनएक्सेसिबल, जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते. जो भी मटेरियल वहाँ से निकला है उसके अकॉर्डिंग हमने ये आइडिया लगाया है इसकी डेप्थ का और कैसे बनी हुई है. द इनर कोर इज़ इन हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म एंड इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ रेफर टू एज नीफे. जो इनर कोर है, इनर क्योंकि कोर जो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर. जो इनर कोर है दो तरह के मटेरियल से बनी है, निकल एंड आयरन, एंड वी रेफर टू एज ए नीफे. क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर अर्थ, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, एंड अबाउट देयर फीचर्स. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स ऑन आवर अर्थ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.